नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडराइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में एक अनाउंसमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है एचपीएससी की तरफ से कि कैसे कि नायब तहसीलदार का एग्जाम जो हुआ था, आप जानते हैं एग्जाम हुआ था 26/5 को, और उसके जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू कब है, 14 अगस्त 2019 को इंटरव्यू है, वेडनेसडे को इंटरव्यू है। कब से स्टार्ट है ये इंटरव्यू? 9:30 बजे से स्टार्ट है, और सेपरेट लेटर, इंटरव्यू लेटर भेज दिए जाएंगे जिससे कि एग्जैक्ट टाइमिंग स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि उसका इंटरव्यू कब है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिनका भी इंटरव्यू है उनको मिस नहीं करना चाहिए, उनको पता चल जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पता नहीं है कि उनका इंटरव्यू अनाउंसमेंट हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है, डेट पता चल गई है कि 14 अगस्त को नायब तहसीलदार का इंटरव्यू है, 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सारे जिनका भी इंटरव्यू है तैयार हो जाइए। और पढ़ना क्या है, देखो, एक तो कुछ एक चीजें आपको करंट की पढ़ लेनी चाहिए, पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं घटी है, एक तो उनके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। नंबर टू क्या है कि आपको अपने बारे में, आप अपने प्रोफाइल के बारे में, अगर कोई जॉब कर रहा है, मान लो कोई जॉब कर रहा है किसकी, वो टीचर की कर रहा है, तो उस जॉब से रिलेटेड उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो इस जॉब में आकर इंटरव्यू में, मतलब कि नायब तहसीलदार बनकर क्या नई चीज और कर सकता है, या क्या उसको वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, मतलब कि नायब तहसीलदार क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसको, या उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या चेंज कर सकता है गांव में, या जो भी उसका कस्बा है या उसका एरिया अलोकेटेड होगा नायब तहसीलदार को, उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी वो ज्यादा कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। या कोई मान लो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसने ये एग्जाम दिया और उसका क्वालिफाई हो गया है, तो वो क्यों प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़कर नायब तहसीलदार की जॉब को अपनाना चाहता है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो उससे पूछा जा सकता है कि आपके हस्बैंड वहां पे काम करते हैं, आप इस जॉब को, फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे, मतलब कि जो डिफरेंट डायमेंशन होती है, सोशल डायमेंशन होती है, आपकी एक पर्सनल जो एक बैकग्राउंड है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कुछ एक चीजें आपको करंट के बारे में होनी चाहिए। ये पूरी जानकारी है आपको होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू पे जाएं। तो ये दोबारा मैं बता देता हूँ, 14 तारीख को 9:30 बजे नायब तहसीलदार का इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।